हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि स्टॉक थ्योरम क्या होती है और कैसे हम स्टॉक थ्योरम से लाइन इंटीग्रल को हम डबल इंटीग्रेशन में, दैट इज सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ग्रीन थ्योरम से करवाए हैं, आप देख सकते हैं आई टाइप के अंदर, जहाँ पे मैंने ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करना और ग्रीन थ्योरम से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो कि वो सब के सब क्वेश्चन हम स्टॉक थ्योरम से भी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग लूंगा क्योंकि वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो सब क्वेश्चन तो आप स्टॉक थ्योरम से कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कि इनको भी हम लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए आप क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एस टेकन ओवर द सरफेस एस बाउंडेड बाय द कर्व सी इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ टेकन अलोंग द क्लोज कर्व सी। मतलब ये हो रहा है कि सी एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू होती है वो होती है डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन, या जो एन होता है ये नॉर्मल वेक्टर होता है, मतलब जिस प्लेन में हम बात करेंगे उसका नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। और नॉर्मल वेक्टर में आपको सबसे पहला जो मेरा वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना सिखाया था, यहाँ पे आई टैब है जहाँ पे आप जाके इसको भी समझ सकते हैं, राइट। फिर मैंने आपको ग्रेडियंट निकालना, कर्ल निकालना, डाइवर्जेंट निकालना, ये भी मैंने आपको दिखाया, ये भी आप वहाँ पे मेरे वीडियोस में देख सकते हैं वेक्टर वाली प्लेलिस्ट के अंदर, राइट। सो एक क्वेश्चन लेंगे, मैं आपको फिर से बता दूँ, ग्रीन थ्योरम, स्टॉक थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और भी मैंने कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ा है, कोची रीमान इंटीग्रल है, कोची रीमान कंडीशन है, और बहुत सारी कोची रेसिड्यू थ्योरम, कोची इंटीग्रल थ्योरम, इन सब के जो प्रूफ है वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ स्टेटमेंट और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कि कैसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रूफ के लिए एक मुझे अलग से ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो मैं अपलोड करूंगा, राइट। सो देखिए आप, यूजिंग द स्टॉक थ्योरम इवेल्युएट एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द स्क्वायर इन द एक्स वाई प्लेन विद द वर्टिसेस 1 0 माइनस 1 0 0 1 एंड 0 माइनस 1, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द स्टॉक थ्योरम। तो स्टॉक थ्योरम क्या बोलता है, सबसे पहले हम इसका एफ वेक्टर निकालना पड़ेगा, राइट। सो एफ वेक्टर क्या होता है, कुछ नहीं है, डी एक्स की जगह आई लगा दो और डी वाई की जगह जे लगा दो, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, इसका कर्ल निकालेंगे, बस थ्योरम क्या बोलते हैं, कर्ल एफ, राइट। तो कर्ल निकालेंगे, तो कर्ल कैसे निकालते हैं, कर्ल एफ दैट इज डेल क्रॉस एफ, और डेल क्रॉस एफ का कैसे निकालते हैं, आई जे के। अगर आपको कर्ल निकालने में कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आई टेप में जाके मेरा जो कर्ल वाला जो वीडियो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कर्ल निकालना सिखाया था, राइट। सो देखिए आप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ये आएगा आपके पास एक्स वाई, एक्स वाई स्क्वायर एंड जीरो। नाउ देखिए क्या होगा, ये इसको हम वाई के रस्म करेंगे जीरो, इसको जेड के रस्म करेंगे जीरो, माइनस जे, इसको एक्स के रस्म करेंगे तो वाई स्क्वायर, इसको वाई के रस्म करेंगे तो माइनस का, ओ सॉरी, दिस इज एक्स के रस्म करेंगे तो जीरो, इसको जेड के रस्म करेंगे तो जीरो, प्लस के, इसको एक्स के रस्म करेंगे तो वाई स्क्वायर, इसको वाई के रस्म करेंगे तो माइनस का एक्स। सो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आएगी वाई स्क्वायर माइनस का एक्स, क्लियर। ओ जीरो आई प्लस जीरो से आ जाएगा ना। अब यहाँ पे ये तो हमें निकल गया, नॉर्मल वेक्टर निकलना है ना, दिस इज नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर, राइट। सो इन एक्स वाई प्लान, देखो ये एक्स वाई प्लेन है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। उसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा एक्स वाई प्लेन का, एक्स वाई प्लेन का जो एन कैप होगा उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, के होगी, राइट, है ना, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड होगा, और जेड में क्या होता है, एन कैप की वैल्यू क्या होती है, के होती है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो ध्यान दीजिए, हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। सो देखिए आप, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू है के वाई स्क्वायर एक्स डॉट के, और यहाँ डी एस, यहाँ सरफेस का एक्स वाई प्लेन है, तो इसका जो डी एस होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डी एक्स डी वाई होगी, राइट। सो के डॉट के कितना होता है 1, और यहाँ पे एक्स की लिमिट रख लीजिए और वाई की लिमिट, एक्स मिनिमम कितना है माइनस 1, मैक्सिमम कितना है 1, सो माइनस 1 से 1, वाई मिनिमम 1 माइनस 1 और माइनस 1 से 1 आएगा। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, सो इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं इस साइड में सॉल्व करूँगा, तो देखिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 1 से 1, माइनस 1 से 1, दिस इज एक्स, नाउ दिस इज वाई, अब इसको लिख के डॉट के 1 होता है, सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स डी वाई। अब हम वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, y के रस्म करेंगे तो ये आएगा मेरे पास y क्यूब बाई 3 माइनस एक्स वाई माइनस 1 से 1 इंटू डी एक्स। ना देखिए आप क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 से 1, जहाँ पर भी x वहाँ 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 बाई 3, सॉरी y की जगह 1 रखेंगे
x माइनस, यहाँ पे माइनस वन रखेंगे, दैट इज माइनस वन बाय थ्री प्लस x इंटू डी एक्स। ना देखिए आप कितना होने वाला है, ये माइनस वन बाय थ्री और माइनस माइनस वन बाय थ्री दैट इज टू बाय थ्री, और ये माइनस का टू एक्स इंटू डी एक्स। नाउ माइनस वन से वन, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन से वन, एक बार रखेंगे तो टू बाई थ्री माइनस वन। नाउ सेकेंड लिमिट रखेंगे माइनस, दैट इज माइनस का टू बाई थ्री, एंड यहाँ रखेंगे तो ये आएगा माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है। नाउ हम देख रहे हैं ये वन से ये वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है फोर बाय थ्री। सो इस तरह से हम स्टॉक थ्योरम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट मिलूंगा। सो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम और यहाँ लेंगे, और वो क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई द स्टॉक थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड इज ओवर द अपर हाफ ऑफ द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाउंडेड बाय इट्स प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन, राइट। सो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे बाय लाइन इंटीग्रल। सो लाइन इंटीग्रल है और आपको यहाँ क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई प्लेन में, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू क्या होगी, इन एक्स वाई प्लेन z इज इक्वल टू जीरो, तो dz भी क्या होगा हमारा जीरो होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ f डॉट dr, तो यहाँ पे क्या होगा 2xy i की जगह dx माइनस y d square dy माइनस y square z dz हो जाएगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे y z की वैल्यू जीरो है तो dz भी जीरो होगा। सो c 2x माइनस y इंटू dx, और आपको ये दे रखा है कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। सो एक्स वाई प्लेन में इसका जो प्रोजेक्शन हो रहा है और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर होता है, एक्स वाई प्लेन में जेड क्या होता है जीरो, तो यहाँ पे अगर जेड जीरो है तो हमारा जो सर्कल होगा वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो हम ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और थीटा की जो लिमिट है ये सर्कल कैसा होगा इस टाइप का होगा, तो थीटा की जो लिमिट होगी कहाँ जाएगी जीरो से टू पर जाएगी, तो वही हम करने वाले हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा थीटा इज इक्वल टू जीरो से टू पाई टू, एक्स की जगह रखेंगे हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और जो डी एक्स है डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होने वाली है, सो डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा, और दिस इज माइनस का साइन थीटा डी थीटा, माइनस रख देंगे यहाँ पे और ये आएगा आपके पास साइन थीटा डी थीटा। नाउ इसका हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा देखिए, दिस इज माइनस जीरो से टू पाई ये अंदर जाएगा, तो साइन थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा इसकी वैल्यू होती है साइन टू थीटा, माइनस का ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और दिस इज डी थीटा। नाउ मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, माइनस का जीरो से टू पाई साइन टू थीटा माइनस माइनस प्लस, और इसको लिख सकते हैं हम जीरो से टू पाई दिस इज डी थीटा, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू इंटू डी थीटा। ना उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, सो दिस इज कॉस टू थीटा अपॉन टू लिमिट जीरो से टू पाई प्लस यहाँ आएगा ये थीटा बाई टू, और कॉस का इंटीग्रेशन होगा आपके पास साइन टू थीटा अपॉन टू तो फोर हो जाएगा, एंड लिमिट आएगी आपके पास, मैं पूरी लिमिट एक साथ ही लग देता हूँ जीरो से टू पाई। नाउ यहाँ हम टू पाई रखेंगे तो दिस फोर पाई, और कॉस फोर पाई की वैल्यू कितनी होती है वन होती है। नाउ कॉस जीरो, कॉस जीरो भी वन होता है अपॉन टू, और यहाँ रखेंगे हम टू पाई अपॉन टू, और यहाँ रखेंगे साइन टू पाई जीरो कॉस टू पाई जीरो, सो यहाँ से हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी पाई आएगी। नाउ अब मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे स्टॉक थ्योरम, क्लियर है। सो स्टॉक थ्योरम बाय स्टॉक थ्योरम, देखिए आप इसको यहाँ सॉल्व करेंगे बाय स्टॉक थ्योरम। अब स्टॉक थ्योरम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कर्ल निकालेंगे, राइट। सो कर्ल निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हमारा एफ फैक्टर जो है वो कितना दे रखा है, एफ फैक्टर हमारे पास दे रखा है 2xy माइनस आई प्लस माइनस वाई जेड स्क्वायर जी माइनस वाई स्क्वायर जेड के। हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे डेल क्रॉस एफ, सो डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आएगी आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, दिस इज 2x माइनस वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। नाउ इसकी वैल्यू आएगी आई, हम इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे, सो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2yz, इसको z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस का 2yz माइनस j, इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, इसको z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 प्लस k, इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो
तो ये भी आपके पास जीरो आएगा। इसको वाई के रस्म करेंगे तो इस माइनस वन तो प्लस वन, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई ओनली के। और आप देख रहे हैं इन एक्स वाई प्लान, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। सो देखिए आप इन एक्स वाई प्लान, इन एक्स वाई प्लान एन कैप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, के होगी। सो बाय स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन आई मीन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस, राइट। तो यहाँ पे वही लिमिट लगाने वाले हैं हम। सो कर्ल एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज के। और यहाँ पे ये भी कितना है, के है। और ये एक्स वाई प्लेन में, और मैं इसको रीजन आर कर देता हूँ। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी एक्स डी वाई, एंड दिस इज फार्मूला ऑफ एरिया, है ना। तो आप डबल इंटीग्रेशन वाले मेरा जो वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो एरिया है ये किसका एरिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और हम जानते हैं इसकी रेडियस कितनी है वन। यहाँ से इसका जो एरिया आएगा वो पाई वन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ लाइन इंटीग्रल से भी इसका आंसर पाई आ रहा है, बाय स्टोक्स थ्योरम भी इसका आंसर पाई आ रहा है। तो इस तरह से हम स्टोक्स थ्योरम को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं इस टॉपिक पे लूंगा, इसको खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए आप, जिसके अंदर हम वेरीफाई करेंगे स्टोक्स थ्योरम को। और ये ग्रीन थ्योरम टाइप की क्वेश्चंस हैं, नया कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वो कभी काम हम कर रहे हैं बट तरीका थोड़ा सा अलग है, राइट। सो देखिए आप, हम ये आप सबसे पहले करेंगे बाय लाइन इंटीग्रल। आपको स्क्वायर दे रखा है ना, क्वेश्चन क्या रखा, वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस इंटीग्रेटेड अराउंड द स्क्वायर इन प्लेन जेड इज इक्वल टू जीरो एंड साइड्स आर एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू ए। सो देखिए आप, ये एक्स इज इक्वल टू ए लाइन है, ये वाई इज इक्वल टू ए लाइन है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो पॉइंट आ रहा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो ये आ रहा हमारे पास ए कोमा जीरो, ए कोमा ए एंड जीरो कोमा ए एंड जीरो कोमा जीरो। तो हम इसके अलोंग लेंगे, इसके अलोंग, इसके अलोंग, इसके अलोंग। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लाइन इंटीग्रल में सी एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए बी एफ डॉट डी आर प्लस बी सी एफ डॉट डी आर प्लस सी डी एफ डॉट डी आर प्लस डी ए एफ डॉट डी आर, राइट। सबसे पहले हम लेंगे अलोंग ए बी, फिर हम लेंगे अलोंग बी सी, राइट, फिर हम लेंगे अलोंग सी डी, है ना, और फिर हम लेंगे अलोंग डी ए। सो देखिए हम कैसे करेंगे अलोंग, सबसे पहले अलोंग ए बी लेंगे। सो ए टू बी, देखिए आप ए टू बी में क्या हो रहा है, ए टू बी में एक्स कांस्टेंट है, वाई में चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए आप एक्स इज इक्वल टू ए बट तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y जा रहा है मेरा 0 टू a, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, तो सबसे पहले मैं निकलूँगा ए बी एफ डॉट डी आर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, मैं इसको एफ डॉट डी आर लिख देता हूँ। सो एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू होगी वो लिख देता हूँ, मैं लाइन इंटीग्रल में यहाँ लिख देता हूँ। सो एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, आई थिंक, है ना, दिस इज, है ना, जहाँ पे आई है वहाँ डी एक्स लग जाएगा, जहाँ जे है वहाँ डी वाई लग जाएगा, ना। तो यहाँ पे डी एक्स की जगह तो जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, राइट। और हम क्या रखने वाले हैं, एक्स की जगह ए, तो ये होगा हमारे पास ए वाई डी वाई, लिमिट जा रही है जीरो टू ए। इसका इंटीग्रेशन होता है वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से। तो यहाँ से इसके जो आंसर आएगा वो आएगा ए क्यूब बाई टू। नाउ हम बात करेंगे हम अलोंग बी सी, बी सी के अलोंग क्या होगा, देखिए आप बी सी के अलोंग कॉन्स्टेंट कौन है, एक वाई कॉन्स्टेंट है, राइट, वाई इज इक्वल टू ए, तो डी वाई कितना हो जाएगा, जीरो। और वेरी कौन कर रहा है, एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए टू जीरो जा रहा है, राइट। तो क्या होने वाला, देखिए आप ये आएगा आपके पास बी सी एफ डॉट डी आर। तो आप देख रहे हैं डी वाई की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे ये जो डी वाई है ये जीरो हो जाएगा, बचेगा कौन, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है ए, तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर डी एक्स, लिमिट जाएगी ए टू जीरो। सबसे पहले मैं लूँगा इसको जीरो टू ए, है ना, तो आगे माइनस आ जाएगा और ये आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब बाय थ्री, जीरो से, तो ये आएगा माइनस का ए क्यूब बाय थ्री। नाउ अब हम बात करने वाले हैं अलोंग सी डी, सी टू डी। तो सी टू डी में आप देख रहे हैं कौन चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक्स जीरो है तो डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा जीरो, और वाई जा रहा है ए टू जीरो।
तो देखिए आप क्या करने वाले हैं, ये होगा हमारे पास सी डी एफ डॉट डी आर, तो आप देख रहे हैं dx 0, तो जहाँ पर भी dx है वहाँ 0 रखेंगे और x की जगह भी 0 रखेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 दैट इज इक्वल टू 0, राइट, तो 0 dy हो जाएगा ना, 0 dy दैट इज इक्वल टू 0। नाउ हम बात करने वाले अलोंग dA, सो अलोंग dA डी टू है, देखिए आप कौन कॉन्स्टेंट है, y कॉन्स्टेंट है, राइट, तो y हमारा क्या है यहाँ पे, y 0 है तो dy हमारा क्या होगा 0, और वेरी कर रहा है x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 टू ए जा रहा है, राइट, तो यहाँ पे ये जो dy है, इस dy की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है और x जा रहा हमारा 0 टू है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए ये आएगा आपके पास dA f डॉट dr, तो हमारी x की वैल्यू जाएगी 0 टू a और ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर dx और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x क्यूब बाय 3 0 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a क्यूब बाय 3। नाउ ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रखने वाले, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सो बाय इक्वेशन नंबर 1 तो आप देख रहे हैं सी एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे सो एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास ए बी के अलोंग इसकी वैल्यू आ रही है ए क्यूब बाय 2, बी सी के अलोंग आ रही है माइनस का ए क्यूब बाय 3, ये 0 आ रहा है और ये आ रहा है ए क्यूब बाय 3, सो ये से ये कैंसल, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई ए क्यूब बाय 2 बाय द लाइन इंटीग्रल। नाउ अब हम देखेंगे बाय स्टॉक थ्योरम, तो स्टॉक थ्योरम से क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो भी क्वेश्चन दे रखा है इसका हम निकालेंगे कर्ल एफ, क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले एफ हमें दे रखा है तो हम निकालेंगे यहाँ पे इसका कर्ल ऑफ, चलो यहाँ लिख लो कर्ल ऑफ एफ दैट इज डेल क्रॉस एफ, नाउ डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या होगी, आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड और यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर एक्स वाई और 0। नाउ क्या होगा देखिए आप, आई इसका वाई के रस्म करेंगे माइनस का जेड के रस्म करेंगे, माइनस जे इसको एक्स के रस्म करेंगे 0 इसको जेड, प्लस के इसको एक्स के रस्म करेंगे वाई इसको वाई के रस्म करेंगे 0, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई के वाई और इन एक्स वाई प्लान एन केप की वैल्यू भी कितनी होगी के होगी, सो आप देख रहे हैं क्या होगी इसकी वैल्यू, नाउ डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है कर्ल ऑफ एफ, सो कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आ रही है के वाई डॉट एन केप इंटू डी एक्स डी वाई और लिमिट क्या आएगी आपके पास, एक्स की लिमिट है 0 से, वाई की लिमिट भी है 0 से ना, 0 से चेंज हो रहा है, राइट, 0 से जा रहा है, क्लियर है ना, उसको सॉल्व करेंगे तो के डॉट के 1 होता है 0 से x, राइट, तो ये y हो जाएगा है ना, और y की वैल्यू 0 से है तो दिस इज y dx एक्स डी वाई, नाउ इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0 से, y का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से dx, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2, इसको बाहर निकाल दीजिए, दिस इज x dx लिमिट 0 से a x की वैल्यू, नाउ और नॉट दिस इज x, नाउ ये x आ जाएगा तो ये आएगा a स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन x आएगा 0 से That is a cube by 2. So, इस तरह से हम लाइन इंटीग्रल से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. So, स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो समझ में आ रहे होंगे और जो मैंने आपको समझाया वेक्टर के अंदर मैंने वेक्टर पॉइंट फंक्शन लिया, डाइवर्जेंट ग्रेडियंट और कर्ल कैसे निकालते हैं, उसके बाद मेरे रोटेशनल सोलिनोइडल वेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसके बाद मैंने लाइन इंटीग्रल के बारे में समझाया, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल बताया, उसके बाद मैंने आपको समझाया कि कैसे हम ग्रीन थ्योरम को सॉल्व करते हैं और ग्रीन थ्योरम से लाइन इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, ऐसे ही मैंने आपको भी समझाया स्टॉक थ्योरम, इट इज जस्ट लाइक ए ग्रीन थ्योरम बट थोड़ा स्टेटमेंट अलग है, उसका वर्किंग प्रोसीजर डिफरेंट है। नाउ मैं आपको अगला वीडियो देने वाला हूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, अपने जो भी कमेंट्स हैं वो ज़रूर हमें देते रहें, सो देट कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए एक एनर्जी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।